पता नहीं बोलना क्यों जरूरी है, मगर अब जरूरी है तो बोलना पड़ेगा। देख बहन जी, आपके भाई साहब के साथ मेरा कोई लफड़ा नहीं है। देखो इस बंदे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक ये बियर बाइसेप्स था तब तक ये साइंस द शिट आउट ऑफ इट कर रहा था, मगर जब से ये बियर्ड बाइसेप्स हुआ है तब से ये लेट्स शिट ऑन साइंस मोड पर है। पहले इसका कंटेंट साइंस पर बेस्ड था, मगर अब इसका कंटेंट सुपरस्टिशन और सूडो साइंस पर बेस्ड है। एंड दिस गाय ब्रांड इज शो एज इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट। और इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट पर तुम बेच क्या रहे हो? ब्लैक मैजिक, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रोलॉजी, चक्रास, रेकी, घोस्ट, कोई साइंटिफिक बैकिंग, कोई सच्चाई नहीं है इन बातों के पीछे। कोई सच्चाई नहीं है तो इतने वीडियोस बना क्यों रहा है, लाखों लोग देख क्यों रहे हैं? दो रीजंस हैं। पहला रीज़न कि लोगों को यही सुनना पसंद है, और दूसरा रीज़न ये कि अगर इसने सच्चाई बताना शुरू कर दिया तो इसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे। और इस बंदे से मेरी प्रॉब्लम यही है कि जिस कंट्री में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है साइंटिफिक टेम्परामेंट की, सुपरस्टिशन से बाहर आने की, वहाँ तुम लोगों को साइंस के अगेंस्ट कर रहे हो, सुपरस्टिशंस की तरफ लेके जा रहे हो, सूडो साइंस की तरफ लेके जा रहे हो। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, व्हिच आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इन, एंड फॉर द पीपल हु से दैट यू नो हाउ कैन यू प्रूव दैट इट एग्जिस्ट, माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ कैन यू प्रूव दैट इट डजंट एग्जिस्ट। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, हाउ कैन यू प्रूव इट डजंट एग्जिस्ट? तुम कोई चीज क्लेम कर रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको प्रूव करना। You can't be like, bro, मैंने एक यूनिकॉर्न पाला है और वो सिर्फ मुझे ही दिखता है। And to all the people who will say, can you prove it exists? My question to you is, how can you prove that it doesn't exist? Proof उसको करना पड़ता है जो claim करता है। The burden of proof is on you. पर मेरे astrological chart में शनि का बहुत ज़्यादा presence है। Wicked Sunny. इमेजिन हॉस्पिटल में डॉक्टर तुम्हें ऐसे जवाब दे, जी हम मरीज को बचा नहीं पाए क्योंकि इन पर शनि का साया था। सुल्तान क्या दिक्कत है भाई, अगर कोई मानता है कि उसके जीवन पर शनि का साया है तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो उसे सॉल्व ना करे, शनि का साया मानकर बैठ जाए। एग्जाम में पास होने के लिए, जॉब पाने के लिए, बेटर लाइफ जीने के लिए कोई मेहनत ना करे, शनि का साया मानकर बैठ जाए। This is how you are going to make India better, Ms. Shaila Abadia. I'm so proud of you, meri aankhon mein to dekh mere bhai. It happened in retrospect. I actually took up a Reiki course when I came back to Bombay. And the Reiki course was a big kind of healer for me, for that tennis elbow. Faith healing business. Log proper medical treatment lene ke jagah, doctor ko dikhane ke jagah, aise faith healers ke paas chale jaate hain jhaad phuk karwane, jiska koi scientific ground nahi hai. और फिर बीमारी को और बिगाड़ के ले आते हैं। एंड आई विश कि फेथ हीलिंग काम करती, ऐसे छूने भर से लोग ठीक हो जाते, डॉक्टरों को इतनी पढ़ाई नहीं करना पड़ती, मगर नहीं करता ये सब काम। कोई रीज़न है ना कि फेथ हीलर्स तुम्हें हॉस्पिटल में काम करते हुए नहीं दिखते? सही बोल सकती थी। हालेलुया। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हां बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। You know, I do get an astral experience where I can see my body from like a bird's eye view. Yes. So, has something like that happened to you? Nahin. ये out of body experience तुम्हें अपने दिमाग में ही feel हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शरीर से consciousness या फिर soul बाहर निकल के travel कर रही है। Astral travel के लिए एक experiment हुआ। Scientists ने कहा कि तुम्हारी soul या consciousness जो बाहर निकल के यहाँ वहाँ travel करती है, उससे कहो कि इस पेज पर जो लिखा है वो पढ़ के बताए। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने पढ़ के बता दिया हो। हम लोग इसलिए स्पेस ट्रैवल में इतने पीछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों का दिमाग भी एस्ट्रल ट्रैवल में लगा हुआ है। टीनेजर्स को मेरी बस ये एडवाइस है, ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा, अब जा। अ प्लैनेट, अ मून, द सन इज सो मैसिव दैट इज गिविंग आउट अ वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एज वेल एज मोस्ट सटल एनर्जीज व्हिच आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय साइंस। तुम किसी को भी अंधविश्वास बेचो और एंड में कह दो कि इसका लॉजिक जो है इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड बाय साइंस है। रणवीर उसकी ऑडियंस को कह रहा है, अबे चांद पे है मैं, लेकिन साइंस को चांद तक आने में टाइम लगेगा। अब जो लोग कहने वाले हैं कि रणवीर के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसकी बात ज़्यादा क्रेडिबल है, तो
ठीक है किसी क्रेडिबल इंसान को ले आते हैं। I want to know what your views were on astrology. I know it's a related science to astronomy. On what? On astrology, extrasensory astrology perception. Is a hoax. What's, excuse me? It's a hoax. Hoax? H-O-A-X. So. By the way, तुम्हारा भविष्य बताने वाले इंसान को ये नहीं पता होता कि उसके घर पे आज चोरी होने वाली है। तू जो दिख रहे, अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंगट आने वाला है क्या? संकट क्यों आएगा? ये सर्किट, बंदूक निकल। ए, ए देख संकट। ये लेफ्ट में जो बंदा बैठा है वो PhD है और राइट में जो बैठा है वो ADHD और दोनों ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक से ये होता है, ब्लैक मैजिक से वो होता है। लेट मी टेल यू ब्लैक मैजिक से क्या होता है। 1995 से लेकर 2010 तक 15 सालों में करीब 2500 औरतों को विच हंटिंग में मार दिया गया। विच हंटिंग मतलब किसी बुरी घटना के लिए किसी औरत को ब्लेम करके उसे चुड़ैल बताकर मार डालना। You can actually change the flow of semen. So I've learned a pranayam like this. We're not allowed to talk about this kind of pranayam on a public platform. जो चीज testicles में रहना चाहिए वो दिमाग में जाएगी, तो यही हाल होगा बंदे का। दिमाग तेज करने के लिए अपने सोशल मीडिया का फ्लो चेंज करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छा कंटेंट अप्रिशिएट करो और स्टार्ट मेरे चैनल से करो। हाँ, यहाँ तुम्हें वो सब सुनने को नहीं मिलेगा जो तुम सुनना चाहते हो और सुनते आ रहे हो, मगर वो सारा कंटेंट मिलेगा जो तुम्हें सुनने की सख्त ज़रूरत है। और वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा धर्मांध हैं, जिनकी भावनाएँ बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, उनको मेरी ये एडवाइस है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है,